गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, एम आई ऑडिबल? यस सर। ओके, थैंक यू। लेट अस वेट फॉर 2 मिनट्स, देन वी विल कंटिन्यू अवर सेशन। When did your first lecture finished? Yes, sir. कधी संपलं तुमचं पहिलं लेक्चर? दहा पंचावन्न ला। ओके, ओके, नाउ लेट अस स्टार्ट अवर डिस्कशंस। खुशी पाटिल, आर यू देयर? खुशी पाटिल, आर यू देयर? खुशी पाटिल, आर यू देयर? शी लेफ्ट द मीटिंग, आई थिंक सो। ओके, ललित पाटिल, आर यू देयर? यस सर। ओके, व्हाट वी डिस्कस्ड यस्टरडे? सर काल नाही होता मी। वाय? सर शेतामध्ये गेला होता। ओके, सो यू हॅव नॉट कॉन्टॅक्टेड युअर फ्रेंड? तुम्ही वडिलांना फोन केला होता सर? हो, बट तू मित्राला विचारलं नाहीस का की काल काय शिकवलं वगैरे? नाही सर, मी संध्याकाळपर्यंत शेतामध्ये होता ना। हो, बट त्याच्यानंतर? नाही सर, त्यानंतर तर काही कॉन्टॅक्ट नाही झाला। ओके, डू इट। ठीक है, अविष्कर, आर यू देयर? यस सर। सर वाज यू प्रेजेंट यस्टरडे? सर काल यूनिट। यू आर नॉट ऑडिबल अविष्कर, आवाज येत नाही तुझा। अविष्कर, वी कांट लिसन यू। ओके, जयदीप पाटिल, आर यू देयर?
Yes, sir. Okay, was you present yesterday? Yes, sir. What we discussed? Sir, आपण काल फोर व्हीलर ची ब्लॉक डायग्राम बघितली होती. Okay, we discussed rear wheel drive. Okay, we discussed four wheel block diagram or other transportation system of an four wheeler, and that the type of the four wheeler was rear wheel drive wheel, isn't it? Yes, sir. So that we had discussed yesterday. Now, one very important thing I need to ask you people or to announce: we are collecting the attendance. Okay. So for that, आपने आज तक जितने भी लेक्चर्स अटेंड किए हैं, तो उस लेक्चर्स में आइदर यू माइट हैव मार्क्ड योरसेल्फ प्रेजेंट इन द चैट बॉक्स और यू माइट हैव मार्क्ड योरसेल्फ प्रेजेंट इन द गूगल फॉर्म. ठीक है, अगर ऐसे मैंने ऑब्जर्व किया है, नॉर्मली मीटिंग में 75 से above 70 स्टूडेंट्स होते हैं, बट चैट बॉक्स में भी बहुत कम लोग मार्क करते हैं, गूगल फॉर्म में भी बहुत कम लोग मार्क करते हैं. ठीक है, सी आई थिंक 20 मिनट्स टाइम इज सफिशिएंट इनफ टू मार्क योरसेल्फ प्रेजेंट इन द गूगल फॉर्म. ऐसा लगा किसी को कि 20 मिनट इनफ नहीं है? प्लीज टॉक ऑल ऑफ यू. कैन यू टेल मी हाउ मच टाइम इट टेक्स टू मार्क प्रेजेंट इन द गूगल फॉर्म? 2 minutes, less than 1 minute. Less than 1 minute. 20 minutes, yes. So depending upon the your internet speed, so I don't think so. It should take 60 seconds. Even though if your speed is not there, 120 seconds are enough to mark yourself present, isn't it? Yes, sir. But today I want to show you something different. ठीक है, so just a minute. I will show you the exact thing. Just a minute. Can you see this? No, sir. No, sir. Okay. No, sir. No, sir. Sir. No, sir. Okay. Now, I think you can. Yes, sir. Yes, sir. Yes. Sir. Okay. Now, yes, see what you people are doing. Yesterday, it was our 20th lecture. Okay. We finished our lecture at. अच्छा, ये यहाँ से सॉर्ट नहीं है. जस्ट अ मिनट, आई विल सॉर्ट इट. ओके, इट वाज आवर 20th लेक्चर. ठीक है, वी फिनिश्ड आवर लेक्चर एट 10:39. ओके, देन इट हार्डली टेक्स 2 to 3 minutes मैक्स. आई एम टॉकिंग अबाउट 120 to 180 seconds. ठीक है, तो वो उतना टाइम लगता है, बट स्टिल सी देर आर सम स्टूडेंट्स एंड यस्टरडे इट द लिंक हैज टू बी क्लोज्ड एट 11 o'clock. ओके, 20 मिनट के बाद वो लिंक क्लोज होना चाहिए, एक्सपेक्टेड है, बट पर्पजली आई केप्ट इट ऑन. मैंने वो पर्पजली ऑन रखा था. सो द स्टूडेंट्स हु आर दिस, ठीक है, जयदीप पाटिल, अभिषेक सातपुते, मिसाळ श्रीकांत, तांबळे गणेश, मंगेश वाघमारे, सौरभ मिटकरी, देन श्रेया कोपसे, हिंदराज शिंदे, इन्होंने बहुत लेट ये अटेंडेंस मार्क किया. अब व्हाट आई एम एज्यूमिंग दैट, एक तो इनके यहाँ पे एक नेचुरल या फिर आप हमेशा एक रीजन देते हो कि नेटवर्क इशू था. ठीक है, तो इनके पास नेटवर्क इशू होगा, फर्स्ट थिंग. सेकेंड थिंग, अगर लिंक क्लोज हो जाती सो ये लोग अटेंडेंस मिस करते. ठीक है, आर यू गेटिंग माई पॉइंट? यस सर. यस सर. सो हाउ इट इज गोइंग टू मैटर, दैट इज व्हाट आई एम टेलिंग यू. फॉर एग्जाम्पल, इफ दिस इज द जयदीप पाटिल, उसने एक लेक्चर का अटेंडेंस मिस कर दिया. ठीक है,
what will happen? Suppose if we are going to conduct 50 lectures, okay? Say, for example, if we are going to conduct 25 lectures, okay? And out of which, if Jaideep Patil has attended 20 lectures, ठीक है, पांच लेक्चर उसने अटेंड नहीं किए, सो फॉर दैट फाइव लेक्चर्स हिज अटेंडेंस मार्क्स विल बी रिड्यूस्ड, इजंट इट? सो अटेंडेंस के मार्क्स कम हो गए. अब आपने लेक्चर अटेंड किया है, बट नाउ अभी इसमें दो तरीके हैं, एक तो फिजिकली अटेंड करना और दूसरा मेंटली अटेंड करना. तो मेंटली अटेंड करने के बाद आप आंसर्स दे पाओगे एग्जाम में, ऑनलाइन जो आपकी एग्जाम होगी वहां पर आप आंसर दे पाओगे. देन जब भी इंटरव्यू में कुछ भी क्वेश्चन पूछा जाएगा वहां पर आप आंसर कर पाओगे. बट एटलीस्ट जो टर्म वर्क के मार्क्स है वो डिपेंडेंट किसके ऊपर है, एक तो वाइवा और दूसरा अटेंडेंस. तो अटेंडेंस के मार्क्स आप वहां से आपके चले जाएंगे. सो डोंट डू दिस काइंड ऑफ थिंग. अगर आपको, आप बताओ मुझे कि 20 मिनट्स इनफ नहीं है, देन वी कैन इंक्रीज दैट 20 मिनट्स टू 25 मिनट्स, 30 मिनट्स, लाइक दैट. बट कुछ भी अगर दिक्कत है तो वो सॉल्व होनी चाहिए और आपका एक भी मार्क लूज नहीं होना चाहिए. दैट इज व्हाट माय कंसर्न इज. आज तक आपने चैट बॉक्स में जो कुछ भी किया था, मार्क किया था, वो मैंने आपके गूगल फॉर्म में पोस्ट कर दिया है, ठीक है? ये जो शीट है अभी, ये शीट भी मैंने गूगल क्लासरूम में मैंने वो पोस्ट कर दिया है, दोनों अटेंडेंस. आज के दिन, सिर्फ आज के दिन फोर ओ क्लॉक तक ये पूरा जो अटेंडेंस वाला सिस्टम है ये ओपन रहेगा, ठीक है? व्हाट यू हैव टू थिंक, आपने अगर गूगल फॉर्म में अटेंडेंस मार्क किया है नो प्रॉब्लम, बट अगर आपने गूगल फॉर्म में अटेंडेंस मार्क नहीं किया है यू कैन मार्क इट टूडे. आर यू गेटिंग मी? आप वो आज मार्क कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं. सी, ये जो रिस्पॉन्स है अभी ये गूगल फॉर्म में मैंने लेक्चर नंबर 1 से लेके लेक्चर नंबर 21 तक, टुडे इज 21st लेक्चर, ये सारा वहां पर सिलेक्ट कर लिया या फिर डाल दिया है. यू कैन सिलेक्ट, सपोज जयदीप वाज प्रेजेंट ऑन लेक्चर नंबर 9, ठीक है, बट ही इज अटेंडेंस इज नॉट बीइंग मार्क्ड ओवर देयर 09 में, सो ही कैन सिलेक्ट 09 एंड ही कैन सिलेक्ट हिज रोल नंबर फ्रॉम दिस ड्रॉप डाउन मेनू. देन ही कैन put his mobile number and he can submit. This is what you have to do. Are you getting me? Yes, sir. And for this, sir. You have time till 4 o'clock. So, is it sufficient for you people? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. I don't want you people to lose the mark. Yes, sir. Yes, okay, thank you. I don't want you people to lose the mark. Since yesterday and today morning till 10:45 मैंने आपको लिंक शेयर की, तब तक मैं आपका जो चैट बॉक्स में आपने जो प्रेजेंट मार्क किया था वो सब डेटा सॉर्ट आउट कर रहा था. वो डेटा बहुत हैपेजर्ड मैनर में था, तो उसको थोड़ा प्रेजेंटेबल मैनर में करके वो मैंने आपको भेज दिया है गूगल क्लासरूम में. तो वो आपको वो देखना है वहां पे. और अगर आपने गूगल फॉर्म में कहीं पर भी मार्क नहीं किया होगा तो आपको वो अटेंडेंस मार्क करनी है. इज इट क्लियर नाउ? यस सर. यस सर. ओके, बट डोंट डू मार्किंग रिपीटेडली, ठीक है? अभी मैं यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ. सी फॉर एग्जांपल, अभी इसको अगर हम लोग फिर से सॉर्ट करेंगे, इफ वी सॉर्ट बाय लेक्चर एंड देन सॉर्ट बाय योर नेम, ठीक है, सी व्हाट विल हैपन. सी साक्षी, आर यू देयर? साक्षी त्रिमुखे, नो शी इज नॉट देयर. बट व्हाट शी डिड, 10 फरवरी को 10:46 को उसने अटेंडेंस मार्क किया, बाद में फिर से 11:57 को उसने अटेंडेंस मार्क किया सेम डे. देयर इज नो नीड, एक ही बार आपका अटेंडेंस कंसीडर होने वाला है. ऐसा नहीं कि आपने 10 तारीख को 10 बार मार्क किया तो आपके 10 मार्क मिल जाएंगे, नहीं. 10 तारीख के लिए अगर एक मार्क है तो एक ही मार्क मिलेगा. सो डोंट डू दिस काइंड ऑफ थिंग अगेन.
सपोज सी ओवर हियर अगेन पल्लवी मोरे एक ही दिन में दो दो बार अटेंडेंस मार्क किया है, ठीक है। अब मैं जब मुझे आपको कुछ और चीज दिखानी है, शायद वो सेवेंथ एट्थ लेक्चर के बाद होगा। सी ये जो सेवेंथ लेक्चर है वो कब हुआ था, सेकेंड इलेवेंथ ऑफ फेब्रुवरी को, बट बाद में हमने एक बार वो लिंक ओपन की थी, ठीक है, ऐसे ही कॉमन में। सो ये फिर से यहाँ पर फिफ्थ को मार्क किया अटेंडेंस, और ऑलरेडी सेकेंड इलेवेंथ ऑफ फेब्रुवरी को दो बार मार्क किया था, तो बाद में फिर से मार्क करने की जरूरत नहीं है। Have you understood this thing? अगर पहले है तो फिर से दोबारा करने की जरूरत नहीं है। Is it clear? Yes, sir. So, kindly do this today till 4 o'clock. ठीक है? Now, we will start our discussions. The important discussion. Another important discussion. ठीक है? Yesterday, we had seen or we had discussed about the rear wheel drive layout. ठीक है? I hope कि आपको position और उसका एक general function, उसका जनरल वर्किंग आपको समझ में आ गया है, ठीक है। नाउ इन डिटेल में हम लोग फोर्थ यूनिट में देखेंगे, बट यहाँ पर सिर्फ ब्रीफ हमने डिस्कस किया, ठीक है। नाउ वी विल मूव अहेड, ठीक है। एक जनरल क्लासिफिकेशन ऑफ एन ऑटोमोबाइल, दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस, ओके। नाउ जस्ट गो थ्रू दिस पर्टिकुलर स्लाइड, एक बार पढ़ लो ये पूरी स्लाइड। Now, this is what is the broader way, isn't it? In which we can classify the all automobiles. All automobiles or the vehicles we can classify in a this particular thing. Now, very first thing is two-wheelers. So, in two-wheelers, what we have? We do have mopeds. Now, what are mopeds? Moped kya hai? Bataiye. Can you tell me what are the mopeds? Two-wheeler जिसमें pedal होते हैं. Two-wheeler. Two-wheelers. No, but this is the all belongs to two-wheeler only, na? Without gear. Pedal होते हैं. Yes, without gear, but in that also the Luna. किसी को किसी ने देखी है Luna? बहुत पहले थी. Yes. Luna. Yes, thank you. Luna category belongs to the mopeds. और नॉन गियर इज व्हाट इज द एप्रोप्रिएट वर्ड, आजकल एक्टिवा है, जुपिटर है, ये जो कैटेगरी वाली व्हीकल्स है दैट बिलोंग्स टू द मोपेड्स, ठीक है। देन देयर इज स्कूटर्स, ये स्कूटर्स देखिए आपने प्रीवियसली वी यूज टू गेट एन एड ऑफ हमारा बजाज, बजाज की स्कूटर रहती थी, देखो अगर आपने देखी होगी तो इट इज बेटर, बट वहां पे सिर्फ क्या है, we used to have a gear which was in the left hand mein wo gear tha wahan pe jisse hum log gear change karte the, okay। Then nowadays we do have gears near our foot, why it was invented, does anyone know this story, gears jo pehle haath mein the wo pairon mein kyun aa gaye, nobody, a beautiful story is there, you can google it, isn't it। Then we are talking about this motorcycles, yahan se yahan pe kyu aaye hum log, one reason was the to increase the torque, second reason to increase the power, and third reason thing which we can observe in between these two is yahan pe jo gear tha wo haath mein tha aur yahan par jo gear hai wo paav mein hai, means with the help of foot we can change the gears, so that is nothing but the motorcycles। And nowadays the very booming sector or aisa sector jahan par bahut zyada research ki requirement hai, that is nothing but the electric vehicles, and in that we have very good electric vehicles in the two wheeler sector, theek hai, wahan par competition bhi abhi aa rahi hai, so
This is what is the classifications of the two-wheeler. Then next is the classifications of the passenger vehicle. ठीक है, passenger vehicle में very first is nothing but the passenger car. तो जो भी cars हम लोग देखते हैं personal use के लिए करते हैं, means what? Can you tell me the examples of this passenger car? Uber. Uber. Okay. Ola, Uber. Ola. ये अलग चीज है. Ola, Uber ही अलग है. मतलब they are the service providers. We are not talking about that. Passenger car. कौन सी कार है? Passenger car. Swift. Bus. Bus. Desire. Wagoner. यस, वैगनर है और कोई जो भी फोर व्हीलर है आप पर्सनल यूज के लिए कर रहे हो, ठीक है, दैट बिलोंग्स टू द पैसेंजर कार. आप अगर पर्सनल यूज के लिए कर रहे हो या फिर ऑफिशियल यूज के लिए कर रहे हो या फिर ओला उबर में जैसे प्राइवेट या फिर वहां पर आपको पैसेंजर्स को कलेक्ट करके या फिर ट्रैवलर को कलेक्ट करके आपको उसको ड्रॉप करना है, ठीक है, तो रिक्वायरमेंट अलग है, बट that particular type of an car belongs to passenger car. ठीक है, then next is the utility vehicle. Now what it is? Utility vehicle, बताइए. Utility vehicle. Transport. Sorry. Sir, petrol transport. पेट्रोल ट्रांसपोर्ट. ओके, गुड. और टाटा योद्धा. टाटा, ओके. और बट हैव यू अंडरस्टूड व्हाट इज यूटिलिटी व्हीकल? सी, सुबह सुबह आप कुछ सामान लोड करने के लिए. ओके, दैट इज वन थिंग. सी, सुबह सुबह सब लोग सबके घर में एक आवाज आती है, देखो बहुत बड़े जोरों शोरों से आवाज आती है, स्वच्छ भारत का इरादा. कंटेनर, इजंट इट? यस सर. कौन सा व्हीकल है? ट्रक. एग्जैक्टली. द ट्रक. सॉरी, सुबह सुबह आपके यहाँ पर कचरा इकट्ठा करने वाली गाड़ी आती है, ठीक है, सो दैट बिलोंग्स टू यूटिलिटी व्हीकल. Then, truck. Many times you might have seen a vehicle which is collecting the what we can say garbage or the materials with the help of suction thing. Suction create करके या फिर vacuum create करके रास्ते के ऊपर का जो भी कूड़ा कचरा है वो इकट्ठा करने वाली एक vehicle रास्ते के ऊपर घूमते हुए आपने देखी होगी. Have you seen this? Yes, sir. Then you might have seen ambulance. Isn't it? You might have seen fire brigade. You might have seen fire brigade. You might have seen vehicles which are carrying petrol, diesel, oil, tractors. Then you might have seen so many things which are not carrying any human being. Okay, those are the vehicles which we can call it as an utility vehicles. Okay. Then there comes the multi-purpose vehicles. So, यहाँ पे हम लोग we can carry the utilities, we can carry the passengers, we can carry the whatever luggages are there. So, this belongs to the category of the multi-purpose. Can you tell me the example of this? Minivan. Minivan, okay. Sorry? बेस्ट एग्जाम्पल इज छोटा हाथी. छोटा हाथी आपने देखा होगा, एक व्हीकल. ओके, एड आता है छोटा हाथी करके. सो दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ एन मल्टीपर्पज व्हीकल. उसमें आप लगेज भी डाल के यू कैन कैरी द यूटिलिटीज, यू कैन कैरी द पैसेंजर्स, नो प्रॉब्लम. ठीक है, सो दैट इज व्हाट इज द मल्टीपर्पज व्हीकल. देन देयर इज एन कमर्शियल व्हीकल्स. सो इन दिस लाइट कमर्शियल व्हीकल, मीडियम एंड हेवी कमर्शियल व्हीकल मीन्स व्हाट? वी आर यूजिंग that particular vehicle for a commercial use. So, usme you might have seen the different buses. Okay, that buses may belong to an public transport,
दैट बसेस मे बिलोंग टू एन प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन जो पिक करने के लिए आती है कंपनी में जाके छोड़ती है, ठीक है, स्कूल बसेस और दी कंपनी बसेस, ठीक है, हॉस्पिटल बसेस आर देयर, ओके, सो दैट बिलोंग्स टू दिस पर्टिकुलर कैटेगरी. देन मीडियम एंड हेवी कमर्शियल व्हीकल्स में ऐसे व्हीकल्स जिसमें हम लोग हेवी कुछ लोड रहेगा, या फॉर एग्जांपल ट्रेलर्स, डिफरेंट ट्रेलर्स आर देयर, सो दीज आर दी मीडियम और दी हेवी कमर्शियल व्हीकल्स, ओके. देन डिफरेंट थ्री व्हीलर्स आर देयर, सो इन थ्री व्हीलर्स अगेन वी हैव पैसेंजर का कैरियर्स, सो वेरी बेस्ट एग्जांपल इज रिक्शा, एंड इन द थ्री व्हीलर्स ओनली वी डू हैव अ गुड्स कैरियर, एक टमटम जिसको हम लोग नॉर्मल बोलते हैं वो गुड्स कैरियर करती है, ठीक है. सो दिस इज व्हाट इज द ब्रॉडर वे हाउ वी कैन क्लासिफाई द ऑटोमोबाइल्स, इजंट इट. इज देयर एनीथिंग यू कैन ऐड इन दिस क्लासिफिकेशन में, हम लोग कुछ और ऐड कर सकते हैं क्या? Have we covered all the vehicles or we have left any vehicle? Aeroplane. Is it automobile? No. Does it comes under automobile sector? No, that is why it is not there. Okay. Then again you will call ship, railway. That is not an automobile vehicle. No? That is why we are not considering it. So, sir. Yes. Sir, example of multi-purpose vehicle. Yes. Sir, example of multi-purpose vehicle. Achha, you want examples of multi-purpose vehicle? I had given you an example is chota hathi. Then very best example is truck. So in truck, you may carry utilities, you may carry luggages, you may carry farm things, you may carry passengers. There are some village areas where truck is used as a transport vehicle for the normal human beings. There are certain areas where trucks are used, tractors, I'm talking about tractors. There are some areas where tractors are used for carrying the different animals. Okay, domestic animals. So these can be the examples of the multi-purpose vehicle. Okay, so have we left any sort of an vehicle? Kuch hum log classification miss kiya hai kya? I don't think so. Theek hai? Sorry? Okay. JCBs. Okay. So that will come under the commercial vehicles. So light commercial vehicles or medium commercial vehicles. Okay. Now, vehicle specifications we will discuss in the next lecture. Okay. Because it is a totally different topic. So I don't want to get that particular topic mixed with this. Okay. Is there any doubt for today's thing? In the classification? No. Sir. Yes. No, sir. And in the attendance also. I don't think so. There should be a doubt. Now, are you going through the online videos which I have posted in the Google Classroom? Yes, sir. Okay. Yes, sir. Kindly go through it. Yes, sir. Kindly go through the numericals which are there. On Saturday, we are going to have the MCQs. Of 30 marks, okay, one mark each, in which unit number one and questions will be there from unit number one and unit number two, okay. Sir, attendance shift class update karne. I'm not getting your question. आप थोड़ा जोर से बोलेंगे? मतलब आपने सर का ना अभी आप हम अपलोड किया है, आप वहां से देख के आप चेक कर लो कि आप कहां पर आपका प्रेजेंटी मार्क नहीं किया है आपने,
and then you can mark your presentee in the Google form. Henceforth, from today onwards, we will not consider the attendance which is there in the chat box. Kaveri has one question. Assignments अभी तक आपको मैंने कुछ भी दी नहीं है, so don't worry about it. Kaveri, have I answered your question? Yes, sir. Okay. So, is there any doubt? Sir. Yes. वो unit वो first level test है ना आपने? Unit one and unit two. Okay, sir. Exam will be on unit one and unit two. So if you don't have any doubt, you can leave the meeting and you can mark yourself present in the Google form. Google form will be open today till 4 o'clock. Okay. Henceforth, your attendance will be considered only and only from the Google form, not from the chat box. Thank you. Thank you so much. All the best. Okay, sir. Thank you. Janak Sonar. Thank you, sir. No attendance in the chat box. Bye, sir. Okay, goodbye. Tejas Sonavane, no attendance in the chat box. Sandesh, Om. Sorry, sir. Chat box madhe attendance consider honar nahi. Mangesh Vagmare, okay, bye.